हेलो 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 गाइस। तो ये टाइम जोन कहाँ, ये टाइम जोन है न्यूक्लियस मॉल में। ओके, न्यूक्लियस मॉल रांची के न्यूक्लियस मॉल के थर्ड फ्लोर में आपको मिल जाता है। तो थर्ड फ्लोर में फूड कोर्ट भी है, तो जो लोग रांची के हैं न्यूक्लियस मॉल जाते हैं तो उन्हें पता होगा। तो ये रहा टाइम जोन, आप देख सकते हो टाइम जोन के बाहर में आपको एक छोटा सा मिलता है कैंडी शॉप, और इस साइड पे मिलेगा आपको एक टॉय शॉप जो कि थोड़ा हाइड हो गया है। और यहाँ देखो टाइम जोन का अभी जो कोविड का टाइम पे ना, मतलब ज़्यादा लोगों को एंट्री नहीं देते हैं, वो लिमिटेड एंट्री वहाँ जो मेंशन किया वो सारा कुछ फॉलो करते हैं वो कोविड के टाइम पे। और ये जो वीडियो है ना, ये काफ़ी पहले की वीडियो, फर्स्ट वेव जब आई थी कोविड की और सब कुछ ठीक हो गया था उसके बाद की, अभी की नहीं है। क्योंकि मैं अब भी तो समारोह को लेकर बिल्कुल भी वहाँ नहीं जाने वाली हूँ, यहाँ खासकर अभी, समझ रहे हो आप। तो आप देखो, ये आपको यहाँ क्या होता है ना, टाइम जोन में बहुत सारे गेम मिल जाते हैं, बच्चों के बहुत सारे गेम मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस, आप भी खेल सकते हो बच्चों के साथ साथ, आप भी खेल सकते हो, मैं भी खेलती हूँ समारा के साथ, बड़े मज़े करती थी यार। अभी बहुत मिस करती हूँ ये सब को, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। क्योंकि हमारा सैटरडे और संडे नहीं, ये वीकेंड पे मतलब एक दिन तो हम जाते ही जाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता था। बहुत सारे गेम अवेलेबल होते हैं अभी तो, काफ़ी बहुत और सारे न्यू गेम आ गया, तो आप देख सकते हो। बड़ों के लिए भी है, वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी बच्चों के गेम्स वगैरह देख लो। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गेम है, आप में आपके बच्चे को जो इंटरेस्ट है आप वही खेलेंगे, बहुत सारे हैं। तो आप देखो इसमें क्या होता है ना, ये आपको किस तरीके के, आपको वहाँ टाइम जोन में एक कार्ड मिलता है, ठीक है। मतलब आप कैसे गेम ये प्ले कर सकते हो मैं बता रही हूँ। कार्ड जो ये कार्ड मिलता है उसमें आपको आई थिंक 500 के, मतलब 500 मैक्सिमम लिमिट में ये पैसे होते हैं। तो आप 500 से ऊपर जितना चाहो उतना कार्ड में डलवा सकते हो, उसके बाद से आप गेम खेल सकते हो। लाइक जो भी गेम खेलना है उसके प्राइस वहाँ मेंशन किए होते हैं कि इस ये गेम का, जैसे कोई एक गेम के बारे में बता रही हूँ, अगर 30 या 40 रुपीज़ है तो आपको वो कार्ड को वहाँ पे टच करना होगा, तो वो खुद ब खुद पैसे कट जाएंगे, उसके बाद वो वाला आप गेम खेल सकते हो। तो आप देख सकते हो इतने, मतलब बड़ा मज़ा आता है यार, बहुत सारे गेम होते हैं। समारा तो वहाँ जाती है ना, तो कम से कम 2-3 घंटे तो हम वहाँ अच्छा खासा वाला टाइम स्पेंड कर लेते हैं, इतने सारे गेम हैं एक एक करके। अब वो जब भी जाती है सारे गेम तो उन्हें खेलना ही खेलना होता है। तो देखो यहाँ पे आपको एक मसाजर वाला भी होता है, तो बड़ा मज़ा आता है। देखो इस टाइप के हैं, आप देख रहे हो। उसके बाद इस साइड भी देखो, इधर भी देखो, गेम है। मुझे एक एक गेम के नाम नहीं पता, इसीलिए आप देख लो, ठीक है। कुछ कुछ के पता है, क्योंकि जो जो मैं खेलती हूँ ना, मैं और समारा खेलते हैं वहाँ, वो पता है। तो देखो ये बाइक रेसिंग वाला है, ठीक है। इसमें भी समारा इसको भी काफ़ी मज़े लेके खेलती है। तो ये रहा, और इधर भी कुछ है, ये स्पिन वाला है। और इसमें क्या होता है ना, एक और चीज़ मैं बताती हूँ, अगर आप गेम खेल रहे हो ना, तो अगर आप जो मतलब जितना अच्छे तरीके से खेलोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो वहाँ वो पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो आपके कार्ड में खुद बखुद चले जाते हैं, और जो पॉइंट्स ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उससे आप कुछ गिफ्ट भी वहाँ से ले सकते हो अपने पॉइंट्स के अंदर में। मतलब आपके जिससे 1500 पॉइंट हैं, तो 1500 पॉइंट के अंदर में आप वहाँ से कुछ भी गिफ्ट उठा सकते हो, लाइक जो भी उसके अंदर में आते हैं। तो देखो ये बच्चों का बॉलिंग है, यहाँ पर बड़ों का भी बॉलिंग है। तो ये समारा तो वो खेलने से रही, तो समारा ये वाला बॉलिंग खेलती है, ये बड़ा मज़ा आता है। मैं भी खेलती हूँ, मुझे भी बड़ा मज़ा आता है। तो देखो कुछ इस तरीके का है, ये बच्चों के लिए है। और ये वाला जो है ना बॉल, ये बॉल वगैरह थ्रो करने वाला है, तो रिंग वाला है, सॉरी, देखो रिंग टोस लिखा हुआ है। मैं अभी कुछ भी पके जा रही हूँ। लेन मो ये मास्टर, और ये क्या है, एक डॉल वाला, यहाँ ये बॉल वाला है, प्रेस करने से बॉल जो डब्बे में गिरते हैं वो सब है। तो आप देखो,
रेनबो वाला गेम है ये गेम, पता नहीं समारा खेल दिया यार, कुछ कुछ मैं नहीं खेलती, वो खुद ही अकेली खेल लेती है। तो ये देखो इतने सारे गेम है, मैंने सारे गेम आपको दिखा डाले, तो चलो दिखा डाले। और अब देखो पूरी वीडियो इंजॉय करो आप, समारा ने बहुत सारे गेम खेले। ओके तो ये रहा काउंटर, यहाँ से आप अपने कार्ड में पैसे डलवा सकते हो। और ये रहा गिफ्ट वाला काउंटर, ठीक है। तो आप जो पॉइंट्स कलेक्ट करोगे ना, तो यहाँ में से आप गिफ्ट ले सकते हो। लाइक देखो वहाँ पे जैसे 200 पॉइंट्स लिखे हैं, कहीं पे 1000 लिखे हैं, कहीं पे 2600 लिखे हैं, 400 है। तो आप जितना गेम फिनिश्ड होने के बाद से आप अपने कार्ड में चेक कर सकते हो कि आपके कितने पॉइंट्स हुए हैं इकट्ठे, तो उस हिसाब से उसी पॉइंट के अंदर पे आप गिफ्ट ले सकते हो यहाँ से। तो बहुत सारे यहाँ से, तो हम लोगों ने इतने सारे गिफ्ट लिए हैं ना, कभी बैग वगैरह बहुत अच्छे अच्छे मतलब चीज़ें होती हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा मज़ा आता है गिफ्ट। जब गेम खेलने के बाद जब गिफ्ट लेने की बारी आती है ना, और जब गिफ्ट लेते हैं तो मैं और समारा को तो बड़ा मज़ा आता है। गाइस देखो ये रहा कार्ड, और आपको इस तरीके से वहाँ टच करना होता है कार्ड को, उसके बाद से आप गेम प्ले कर सकते हो। ओके Yeah.
मैं तो सारे गेम खेलूंगी, कौन सा गेम छूट गया है वो मैडम चेक कर रही है कि कौन सा मैंने नहीं खेला। तो देखो ये वाला बच गया था तो ये भी खेलना है इन्हें, ठीक है। और गाइस एक बात प्लीज, मैंने ना वीडियो का एंड में जो वीडियो किया था ना, वो वीडियो एक्चुअली मुझे लगता है सूट हुआ ही नहीं, तो एंड वाला थोड़ा अजीब सा है, तो प्लीज। क्या पी रही हो? मोटू खजूर से। खजूर से पियो? बहुत टेस्टी खजूर से। समारा का गेम ऑलमोस्ट हो गया था फिनिश, अब बारी है हमारी, तो हम कर रहे हैं बॉलिंग जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। मैं एवं फेंक डालती हूँ, फेंक देती हूँ, तो ग्रीन कलर से नहीं हो रहा है, मैंने लिया अपने कुर्ते से मैच करता हुआ पिंक कलर। कितने पॉइंट्स कलेक्ट किए? 1500। क्या लोगी 1500 का? नहीं। 1500 के अंदर में क्या क्या है देखो।